नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विग्रह के 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में वह लोग पहुंचे थे जिनको इसमें आमंत्रित किया गया था, इस समारोह में आमंत्रित किया गया था। देश भर में ही नहीं पूरे विश्व में 22 जनवरी को दीपावली मनाई गई। सभी ने हर्षोल्लास के वातावरण में दीपों का प्रज्वलन किया और भगवान श्री राम के जयकारों से गूंजा देश ही नहीं अपितु विश्व भी। दमोह के नेत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री डॉक्टर सुधा मलैया को भी आमंत्रित किया गया था अयोध्या में। उन्होंने अयोध्या में पहुंचकर भगवान श्री राम लला के दर्पण किए और वह फिर पहुंची दमोह में। वह एक खुली जीप के माध्यम से निकली अपने निवास के लिए। जगह जगह स्वागत हुआ, सत्कार हुआ और उसके बाद उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत का इतिहास रहा है, किस प्रकार भारत के मंदिरों को ध्वस्त किया है आक्रांताओं ने, किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा था इस पूरे आंदोलन में, जो राम जन्मभूमि के आंदोलन में उन्होंने सहभागिता की और उसके बाद उन्होंने जो फोटोग्राफ्स दिए थे वह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने कहा कि एक अलग अनुभूति हमने वहाँ पर देखी है, हमको हुई है और भगवान श्री राम लला के हमने दर्पण किए हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने अनेक उन बिंदुओं को छुआ जो इतिहास से जुड़े हुए हैं। मैं तो अभिभूत थी, बिल्कुल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे लगा कि ये जो कि स्वामी गोविंद देव जी ने भी कहा कि ये केवल रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा की बात नहीं थी, भारत के स्वाभिमान, गौरव और आत्मविश्वास की प्रतिष्ठा थी। ये भारतीय आदर्शों के उच्चतम प्रतीक, उच्चतम आदर्श रामलला की प्रतिष्ठा का समय था। आंदोलन में भी आपकी सहभागिता रही और न्यायालय में भी आप दोनों जगह की आंदोलन में भी आपकी सहभागिता की, तो उस समय का कोई एक ऐसा कोई वाक्य जो आपको छू गया हो? वाक्य तो वही छुआ था, जबकि जैसे मैं 7 दिसंबर को लौट आई वहाँ से, 7 दिसंबर 1992 को, तो मैंने जो फ़ोटो लिए थे उससे वो अभिलेख पढ़ा नहीं जा सकता था। तो जो पढ़ने वाले थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं पढ़ते हैं, अभिलेख नहीं पढ़ा जा सकता, उसकी छाप बनानी पड़ती है और उसके क्लियर फोटोग्राफ चाहिए और छाप चाहिए हमें, हमको तो एक एक शब्द का मतलब निकालना पड़ता है। तो फिर मैंने जाके भाजपा ऑफिस 11 अशोक रोड में गई, मैंने कहा मुझे वहाँ भिजवा दो, तो बोले कि नहीं अभी नहीं जा सकते, अब कर्फ्यू लग गया है। तो मैंने गेट पे खड़े होकर कहा कि नहीं मुझे तो जाना है, मैं कल अयोध्या जा रही हूँ। तो फिर डॉक्टर सुराज प्रकाश गुप्ता मेरे साथ थे, उन्होंने कहा हम लोग कहीं छुपे हुए थे, उस समय RSS में प्रतिबंध लग गया था। तो सुबह को मैं जब उठी तो उन्होंने बोला वो शेरनी तो जाने को तैयार बैठी अकेली। तो फिर वो हंसने लगे और कहने लगे कि चलो तुम्हारे लिए इंदार कौन था, एक दिन रुक जाओ बस, हमारी बात मान लो। फिर हम लोग 12 दिसंबर को गए और 11 दिसंबर को जाने का मैं कह रही थी, तो हम 12 दिसंबर को गए, 13 दिसंबर को वहाँ दोबारा कर्फ्यू में पहुँचे। तो रोमांचक घटना यही थी कि उस समय शूट एट साइट के ऑर्डर्स थे, वहाँ कर्फ्यू नहीं लगा हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो लेकिन मैं 4 कैमरे लटका के एक पत्रकार की वेशभूषा में अपना पत्रकार का कार्ड बनवा के मैंने ऑर्गेनाइज़र का कार्ड बनवा लिया और उसमें मैं जो गई। लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगा, पर मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था डर, मैं तो जा रही थी आराम से मस्त। एक वहीं पर और 5 जने के पत्रकार थे, उनकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठी, वो मुझे ले गए वहाँ तक, कुछ भी डर नहीं लगा और किसी ने हमें टोका भी नहीं। न्यायालय में भी आपने साक्ष्य प्रस्तुत किए? न्यायालय में साक्ष्य तो उन लोगों ने प्रस्तुत किए, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रस्तुत किए गए, मतलब साक्ष्य तो दे दिए, फोटोग्राफ दे दिए, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रस्तुत किए गए।